अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू दस्तरखान। आज हम बना रहे हैं मैश पटेटो। ये भी बच्चों की फेवरेट है, बच्चों और बड़ों सबकी फेवरेट है ये, और बहुत पसंद करते हैं बच्चे इसे। तो आए हम स्टार्ट करते हैं, मगर इससे पहले, स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचे। तो आए हम स्टार्ट करते हैं। ये मैंने दो आलू लिए थे बड़े वाले, इसके इस तरह के बड़े बड़े पीस करके, इसको पहले पील कर लिया था, फिर इसके बड़े बड़े पीस करके थोड़े से पानी में इसको बॉईल कर लिया था हमने। बिल्कुल अच्छे से गला देने हैं कि ये बस हाथ लगते ही ये चूरा हो जाए, इस तरह के गला देने हैं। इसको हम बिल्कुल मैश कर देंगे। इसमें चंद चीज़ें डालेंगे, एक चम्मच है बटर, दो चम्मच हमारे पास जितना दूध है, दो चम्मच जितनी हमारे पास क्रीम है और दो चम्मच जितनी हमारे पास चीज़ है, ये चेडर और मोज़रेला दोनों साथ में है। एक चुटकी चाहिए हमें जायफल और नमक और काली मिर्च है। नमक काली मिर्च आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, जायफल सिर्फ एक ही चुटकी जाएगा इसमें। तो चले हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम आलू को मैश कर लेते हैं मैशर से। कितने अच्छे से मैश हो गए हमारे आलू, बहुत अच्छे गले हुए थे जिसकी वजह से ये इतने अच्छे बिल्कुल मलाई की तरह हो गए। ये देखें, ये जितना अच्छा मैश होगा इतने अच्छे इसका मैश पोटैटो बनेगा। ये देखें, बिल्कुल कहीं भी गुठली नहीं दिखनी चाहिए और ये बहुत अच्छे से मैश हो जाए। आप जितना अच्छा गलाएंगे इतने अच्छे बनेंगे ये। तो चलिए हम चूल्हे की तरफ चलते हैं। अभी हम इसको स्टार्ट करते हैं बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पहले हम इसमें बटर डालेंगे। सब चीज़ मैंने दो दो चम्मच, एक एक चम्मच इसलिए लिए कि सारी चीज़ें बहुत हेवी है, बहुत हेवी हो जाता है ये सब, इसलिए कम कम डालते हैं और टेस्ट बहुत अच्छा आता है सबका। मेक श्योर कि आपके सब चीज़ों का बैलेंस अच्छा हो इसमें। बटर जैसे ही हमारा मेल्ट हो जाएगा, इसमें हम आलू डालेंगे अभी, जो कि हमने बिल्कुल मैश करके रखे हुए थे। बटर हमारा गरम हो गया है, इसमें हम ये आलू ऐड करेंगे। ये दो आलू थे, छील के मैंने थोड़े से पानी में बड़े बड़े टुकड़े डाल के और इसको बॉईल कर लिया था। इसको इसमें मिक्स करेंगे अच्छे से। इसमें बिल्कुल भी लम्स नज़र नहीं आना चाहिए। ये देखें, बटर अच्छे से इसमें मिक्स हो गया। अब इसमें डाल देंगे हम दूध, दो चम्मच था हमारा। इसको मिक्स करेंगे हम और इसके साथ ही हम डाल देंगे चीज़ ताकि वो भी मेल्ट हो जाए। ये भी दो चम्मच थी, ज़्यादा डालना चाहे आप डाल सकते हैं, मगर बहुत ज़्यादा हेवी हो जाएगा ये। इसको अच्छे से थोड़ी देर मिक्स कर लेते हैं हम। अब इसमें जो ये हमने रखा था ब्लैक पेपर, सॉल्ट और जायफल, जायफल एक चुटकी डालना, ज़्यादा मत डालना। इसको मिक्स करेंगे। इसको इस तरह मैश करते जाएं ताकि अंदर चीज़ मेल्ट हो जाए अच्छे से। अब इसमें ये सब अच्छे से मिक्स हो गया,
अब इसमें हम क्रीम डाल देंगे, ये भी 2 चम्मच थी, टेट्रा पैक है, कुकिंग क्रीम जो होती है। हमारी चीज़ देखिए कितनी अच्छी मेल्ट हो गई है, ये देखें इतना चीज़ी बन गया है ये। जब आप चिकन स्टेक बनाएं, बीफ स्टेक बनाएं, तो उसके साथ ये बहुत मज़े का लगता है। इसके साथ वेजीज रख दें, स्टफ फ्राई करके वेजीज हो, मैश पोटैटो, स्टेक के साथ बहुत मज़े का लगता है ये सब। इसका कॉम्बिनेशन है सब। इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे, सारी चीज़ों को एक जान हो जाना है, अच्छे से मिक्स करेंगे। क्या हमारे तैयार हो गया है मैश पोटैटो, ये बहुत मज़े का और टेस्टी है, बहुत चीज़ी है, तो आप ज़रूर ट्राई करना। अच्छा लगे तो दुआओं में याद करना। अल्लाह हाफिज़।